हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। इसमें मैं लिख रही हूँ जी माय थॉट्स। आज रात के कोई 12 बज गए हैं, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है, मैं अपनी विशेज लिख रही हूँ। बेसिकली मेरी विशेज हैं जी, मेरी विश है कि मतलब इंसान की ज़िंदगी में महरम होना चाहिए, लेकिन महरम ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए ये नहीं हो कि वो फ्यूचर के चक्कर में ना प्रेजेंट में भी फ्यूचर को सोचता रहे कि भाई फ्यूचर के लिए कुछ कर। ऐसा इंसान होना चाहिए जो रात को मूवी भी देखे तो उसे भी इंजॉय करे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई बस फ्यूचर की टेंशन ले ले कि अपना प्रेजेंट भी बर्बाद कर दे। ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान के साथ शादी करनी चाहिए। और ये मतलब और मेल ईगो तो हो ही ना, मेल ईगो तो ज़ीरो होनी चाहिए। जब फीमेल ईगो ज़ीरो है तो मेल भी ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो अगर कोई काम करे तो उसको शर्म फील ना हो, ठीक है। फिर मैं लिख रही हूँ कि मतलब ये ना हो कि वो कहे जी लोग क्या सोचेंगे, ये है वो है, नहीं तो ये हो कि मुझे खुश रखना है, ठीक है। और छोड़ना तो ऑप्शन ही नहीं ना हो, बस अगर कोई बात तो बातें हो जाती हैं, लेकिन अगर बात हुई है तो मतलब उस बात को हैंडल कैसे करना है वो चीज़ हो। और बेसिकली ये है कि सिंपल, लॉयल, ऑनेस्ट हो, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक कीमती इंसान होता है कि आपके पास एक लॉयल इंसान है। पैसे को फीलिंग से ज़्यादा वैल्यू ना करता हो, मतलब फीलिंग्स उसके लिए ज़्यादा हो, इम्पोर्टेंट हो, मतलब उसके लिए फीलिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट हो कि वो उसको पैसे में ना, हर चीज़ को पैसे की नज़र से ना देखे कि पैसा पैसा पैसा। जो इंसान 24 घंटे पैसा 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 करता है ना, वो फिर पैसों में रह जाता है। तो बेसिकली इस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि महरम में ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी ना महरमों में तो फिर इंसान वैसे पागल होता है, और निकाह कर लेना चाहिए। निकाह से पहले कुछ भी नहीं रखना चाहिए। निकाह हो देन सब कुछ हो, देन दुनिया भी आपने जाना है, घूमनी है तो इकट्ठे जाओ निकाह के बाद, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैं रात के 12:30 हो गया, मैं ये सोचने बैठी इंसान का भी ना बस। अब मैंने रील्स सब कुछ देख ली है, तो बस मैं डायरी लिखने बैठी थी तो मैं डायरी लिख रही हूँ। तो बस डायरी लिख के, ये डायरी लिखने का मिलना कुछ नहीं है। अगर पैसा मिलता होता ना सबसे ज़्यादा अमीर होना था। गद्दार ना हो, मतलब चीटिंग पार्टनर ना हो, मतलब उसके दिल साफ हो, जो वो अंदर से हो वही बाहर से हो। ये नहीं है कि जी दिल में बातें छुपाई हुई हैं और मुंह पे अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए पार्टनर। ऐसे पार्टनर से तो भाई ना ही होना बेहतर है। बाकी अल्लाह सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे। बाकी आप खुद पढ़ें मैंने क्या लिखा है। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।